हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ये किशन जी की फ़ोटो बनाने वाला हूँ, बालकृष्ण, जो आप लोग को अच्छा लगेगा। सबसे पहले मास्किंग टेप जो है मैं इसको लगाऊंगा। ये जो A4 साइज़ पेपर है, पेपर की चारों तरफ ये मास्किंग टेप लगा दूंगा। मास्किंग टेप लगाने के बाद मैं स्केच शुरू करूँगा, ताकि जो साइड वाला किनारा है उसका एक बड़ा टाइप का बन जाए, एक जैसे फ्रेम होता है फ्रेमिंग टाइप का लगेगा, इसलिए मास्किंग टेप लगाना पड़ता है। उसके बाद मैं चारों तरफ लगा दूँ, लगाने के बाद स्केच शुरू कर दूंगा। देखते हैं किस तरह से मेरा ये स्केच बन रहा है। ये जो स्केच है ये मेरा फ्री हैंड स्केच है, कोई इसमें मार्किंग वगैरह कुछ नहीं है, कोई तरीका इस्तेमाल नहीं है। जैसे मुझे दिखाई दे रहा है मैं सेम टू सेम ऐसे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा, जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल में आ रखे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि मेरा भी ये चैनल आगे बढ़े। क्योंकि इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ उसी हिसाब से मुझे सब्सक्राइबर नहीं मिल रहे हैं, तो प्लीज़ 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 सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, जो मेरे चैनल में फर्स्ट बार आ रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊँगा आप लोग तो आसानी से पहुँच जाए। दोस्तों, और भी कई तरीके हैं स्केच बनाने का, जिसको स्केच सीखना है कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट के जरिए बता सकते हैं कि क्या आपको सीखना है, और उसके बारे में वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा। तो थैंक यू दोस्तों, जो मुझे सपोर्ट दिया है आप लोगों ने, जो भी आज तक मेरा सब्सक्राइबर 400 से ऊपर है आप लोगों की वजह से है, तो प्लीज़ मुझे और भी आगे लेने की कोशिश कीजिए, ताकि मेरा ये चैनल बहुत आगे जा सके। थैंक यू, इस तरह से मुझे सपोर्ट कीजिए। देखिए किस तरह से मेरा स्केच बन रहा है। स्केच जो इस तरह का होता है, जैसे फ्री हैंड बनाने वाला स्केच, ये स्केच मतलब बहुत बढ़िया होता है। फ्री हैंड बनाने में क्या है ना, कोई लाइनिंग बनाने की ज़रूरत नहीं, जैसे ग्रिड तरीका होता है, ग्रिड तरीका में लाइनिंग बनना पड़ता है, इसमें कोई लाइनिंग बनने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो जैसे दिखाई दे रहा है ऐसे स्केच बनाना है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आउटलाइन बनाने की कोशिश करता हूँ। आउटलाइन बनाने के बाद फिर इसको शेडिंग देकर उसको फिनिशिंग करने की कोशिश करता हूँ, और उसमें थोड़ा सा और अच्छा लगने के लिए जो मास्किंग टेप लगा रखा हूँ इसके चारों तरफ को थोड़ा जैसे डार्कनेस दे रहा हूँ, ताकि वो देखने में थोड़ा और अच्छा लगेगा। ये मास्किंग टेप लगा रखा हूँ, अभी मैं जो बोला था जैसे फ्रेमिंग टाइप का लगेगा, तो इस तरह से चारों तरफ को थोड़ा हल्का हल्का डार्कनेस करने के बाद मास्किंग टेप को रिमूव करना पड़ता है। टेप को निकालने के बाद देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा कि इस तरह से हमारा स्केच बना था। तो ये चारों तरफ मैं अभी टेप रिमूव कर रहा हूँ। देखिए किस तरह से मेरा टेप निकल रहा है, धीरे धीरे से खींचना पड़ता है, क्योंकि ये नॉर्मल पेपर है A4 साइज़ का, तो ज़्यादा स्पीड से खींचने से क्या होगा, टेप के साथ साथ पेपर भी फट जाता है, तो इसलिए मैं धीरे धीरे खींच रहा हूँ। जो स्केच बनाने के जो पेपर होता है उसमें आप बनाओगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ये मास्किंग टेप आराम से निकल जाता है, लेकिन ये नॉर्मल पेपर है इसलिए इसमें से टेप खींचने से फटने का बहुत चांसेस होता है, इसलिए मैं धीरे धीरे खींच रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों ने लास्ट तक मेरा वीडियो देखा, धन्यवाद।